जालौन से जीवन यादव की रिपोर्ट। मुर्गा खरीदने आए लोगों ने की साथियों संग मिलकर मुर्गा व्यापारी के साथ कप्पेबाजी। मुर्गा तुलाने के बाद फोन कर साथियों को बुलाकर बंदूक की नोक पर व्यापारी के साथ की कप्पेबाजी। मुर्गा लेकर भागे कप्पेबाज, लगाया मुर्गा व्यापारी को लाखों का चूना। देर रात्रि पीड़ित मुर्गा व्यापारी ने थाने में जाकर दी तहरीर। पुलिस ने जांच कर न्याय दिलाने का दिलाया भरोसा। मुर्गा व्यापारी के बताने के अनुसार कप्पेबाज कस्बा कदौरा के बताए गए पूरा मामला आटा थाना क्षेत्र का मुर्गा व्यापारी नादिर कुमार। क्या नाम है तुम्हारा? नादिर। कहाँ से हो? ग्राम चमारी से, आटा थाना। जो आपने आटा थाना में तहरीर दी है, क्या है पूरा मामला? सर, हम ग्राम चमारी के रहने वाले हैं। हमारा फार्म मंडी के ठीक सामने फार्म है, वहाँ पर चौकी भी है सामने, तो आटा थाना है। लेकिन हम मुर्गा फार्म करते हैं, तो मुर्गा ले आते हैं, बेचते हैं यहीं से। तो एक हर रोज़ मतलब कदौरा के काफ़ी आदमी आते हैं हमारे इधर मुर्गा लेने। लेकिन जो कल आए थे वो पहली बार आया था, मैं उसको देखा नहीं था। तो उसने फ़ोन करा मुर्गा है, हमने हाँ उससे बोला कि हाँ मुर्गा है। तो वो बोला ठीक रेट बताओ, रेट बताइए। उसने कन्फर्म कर दिया, बोला ठीक है 12 बजे तक आ जाएंगे हम। ठीक है, वो 12 बजे हमारे पास आ गया। 12 बजे आया तो वो चमारी नाला पे मिला हमें। 12 बजे चमारी नाला से लेके उसको फार्म पे आए, फार्म से मुर्गा तुलवाया उसको 10 क्विंटल। 10 क्विंटल मुर्गा तुलने के बाद उसने हमको रुपये गिनने चालू कर दिए। एक आदमी उसमें से बाहर गया, वो 3 आदमी थे। जब एक आदमी उसमें से बाहर गया, उसने फ़ोन करा, वहाँ से थोड़ी देर बाद बहन आई, उसमें 5-6 आदमी थे, उसमें असलाहे भी लिए थे। जिस टाइम उनने हमें देखा तो हाल कनपटी पर उनने असलाहे रख दिया। हम उसके पीछे भागे, उसने लात मारी हमें और दहभागे उसमें बैन में घुस गए सब लोग, बाकी लोडर में घुस गए। जब आप आटा थाना गए हैं तो पुलिस ने आपसे क्या कहा? आटा थाना हम गए भाग कर, तो उनने एप्लीकेशन बोला कि एप्लीकेशन दे जाओ, आपकी सुनवाई होगी।